हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। एक छोटी सी वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें पहली दो एंट्री मैं डालूंगा। एक तो रिसीट वाउचर हम डालेंगे कैपिटल का, और एक कॉन्ट्रा वाउचर डालेंगे जो पैसा उसने बैंक में जमा कराया। बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से आप सब पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। टैली सीखे हुए हैं तो इसमें कोई खास मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर में हम करेंगे डेट चेंज। रिसीट इज़ ऑन 2nd of July 2017। ये डेट हम देखते हैं चेंज हो गया। अकाउंट हमारा इसके अंदर, सॉरी, कैश एंड कैपिटल की हमें इसमें एंट्री करनी है। तो कैश आया है हमारे पास और कैपिटल में इसकी एंट्री होगी, और ये अमाउंट आया है 4 लाख रुपया। ठीक है, तो हमारे पास कैश 4 लाख रुपए डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया। आप देखते हैं हाथ के हाथ इसके अंदर बैलेंस आता है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, 4 लाख रुपए क्रेडिट आ गया। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश बाय केडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, अब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो ये मेरा वाउचर कंप्लीट है। यस, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वाउचर जो है, अब आप देखेंगे आपको जो असाइनमेंट कह लो, मटेरियल कह लो, जो दिया है उसके अंदर जो है 4 तारीख को फिर 3,80,000 स्टेट बैंक में जमा कराए हैं। एक्चुअली वो दिमाग में घूम रहा था, इसीलिए जब मैंने पहली एंट्री की तो बैंक बीच में आ गया। अब हम करेंगे काउंट्रा वाउचर। करेक्ट, काउंट्रा वाउचर में पहले हम इसकी डेट चेंज कर लेंगे, 4 जुलाई 2017। इसमें हम बैंक में जा रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है। इसमें कैश कितना, 3,80,000। करेक्ट, इसमें वो पूछ रहा है आपके डिनोमिनेशंस, तो वो मैंने दिए हैं लास्ट में 190 नोट हैं 2,000 के, तो वो हमने इसमें एंटर कर दिया। 3,80 पूरे हो गए। बैंक हमने ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा इंडिया। नरेशन बीइंग रुपीज़ 3,80,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट। कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट करने से पहले आपको ध्यान ही होगा कि जो बैंक है वो हमारी एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो 3,80,000 जमा कराया तो वहाँ डेबिट हो गया। कैश भी हमारी एसेट है, उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। वहाँ था 4 लाख पिछली बार तक, जब हमने कैपिटल लिया तो 4 लाख डेबिट हो गया था, लेकिन अब 3,80,000 तो बैंक में चला गया, तो इसलिए हमारा कैश का बैलेंस कितना रह गया, 20,000। तो हम ये भी हाथ के हाथ देखते रहें, तो अगर कोई गलती बाई द वे हो भी रही होती है तो वो नहीं होती है। आई मीन टू से, तो जैसे मैंने कहा था एक छोटी सी वीडियो ही हमने ये ली है, और इसमें ये दो वाउचर मैंने एंटर करके बताए हैं। और अगला वाला जो है वो हम मेन टैक्स इनवॉइस शुरू करेंगे, RB इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मेन आइटम है हमारी। ठीक है ना, चलिए इसको यहीं छोड़ रहे हैं। थैंक यू।